सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक एपी है, उस एपी का पहला टर्म 5 है और उसी एपी का लास्ट टर्म 45 है। अच्छा, इस एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी पूरा हम सम कर देंगे सबका, सारे टर्म्स का, तो ये 400 आ जाएगा। हमें ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी एंड ऑल्सो द कॉमन डिफरेंस। कितने टर्म्स हैं वो फाइंड करना है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है वो चीज़ भी हमें फाइंड करना है। तो बच्चों मैं बता दूँ, जो गिवन है वो लिख देते हम लोग। तो यहाँ पर क्लियरली है फर्स्ट टर्म यानी ए का वैल्यू कितना है, 5 है। लास्ट टर्म यानी क्या होता है, हम लोग ए एन कहते हैं, ए एन का वैल्यू कितना है, 45 है। ये दो चीज़ दे दिया है। और क्या दिया है, सम ऑफ एन टर्म, जितने टर्म्स होंगे उनका सबका सम करेंगे तो हो जाएगा 400। ये बात भी दे दिया है, ठीक है। हमें फाइंड करना है एन टर्म्स, कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है, एज वेल एज हमें डी का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए मैं सम का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, एस एन। लेकिन इस बार मेरे पास कुछ अलग फॉर्मूला है एस एन का, सेकेंड जो टाइप है ना एस एन फाइंड करने का, हम वो यूज़ करेंगे। इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑफ एस एन में डी भी है, जो प्रीवियस सम आप देखोगे ना उसमें डी का वैल्यू भी है। डी तो हमें फाइंड करना है, एन भी फाइंड करना है, तो दो अननोन हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग फर्स्ट टर्म और जब भी लास्ट टर्म दिया हो तो हम लोग सेकेंड फार्मूला यूज़ करेंगे सम का, मतलब वो और सिंपल हो जाता है। तो कभी भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो और सम का कोई भी रिलेशन हो तो आप कभी भी क्या यूज़ करोगे, आप प्रायोरिटी दोगे सेकेंड फार्मूला को, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू और ये ए प्लस ए एन, वेयर ए एन इज़ लास्ट टर्म। एस एन का वैल्यू 400 है आपका, एन तो आपको फाइंड करना है 2 का एज इट इज़, ए का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 45 है ए एन का। देखो कितना ईजी है सब्सिट्यूट करना। देयर फोर 400 × 2, ये हो गया आपका 800, ये n एज इट इज़ और ये 45 प्लस 5 मिल के हो गए 50, ठीक है। और उसके बाद आपने 800 को 50 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया n, ये 0 0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब ये जब आप कैंसिल करोगे तो आपका आंसर, तो ये वैल्यू आपका आ गया n इक्वल्स टू 16। तो कुल इस ए पी में कितने टर्म्स हैं, तो देर आर 16 टर्म्स इन दिस ए पी। अब सेकेंड वाला पार्ट में क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी। उसको मैं एस एन का फॉर्मूला, क्योंकि एन मिल चुका है ना, तो एस एन का जब फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा तो वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 में ऑलरेडी एक फॉर्मूला यूज़ किया जिसका नाम है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी ये आपको तुरंत क्लिक नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये चैप्टर्स का बढ़ते हो आगे और जब आप प्रैक्टिस के सम्स को जब प्रैक्टिस करने लगते हो तो ये सारी चीज़ें आपको क्लिक होने लगेंगे, हाँ कि ये फॉर्मूला है तो मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मतलब जो चीज़ फाइंड करना है वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो भाई बच्चे, कोई भी इक्वेशन में जब सिर्फ एक ही चीज़ अननोन होता है तो हम उस इक्वेशन को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ए एन का वैल्यू है हमारे पास, ए का वैल्यू भी मिल गया है, एन का वैल्यू मिल चुका है और डी फाइंड करना है, दैट इज़ वाई आई यूज़ ओनली दिस फार्मूला। समझ में आ रहा है, कोई भी इक्वेशन आप कब क्या डिसाइड करता है आपको क्या कि ये वाला फार्मूला यूज़ करो, तो उसमें वो फार्मूला को लिख दो और सब जगह देखो गिवन में जो आपने फाइंड किया उसमें कौन कौन से वैल्यूज़ हैं। अगर उस इक्वेशन में एक ही अननोन है बराबर, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, और कहीं दो अननोन हो गए तो बिल्कुल उसको यूज़ मत करना आप, बराबर है। तो ए एन जो है वो है हमारा 45 इक्वल्स टू ए का वैल्यू 5 है प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 16 है, 16 माइनस 1 और ये डी हो गया। तो ये हो जाएगा, अगर ये 5 को मैं इधर लेके आ गया तो ये 40 हो जाएगा, 45 माइनस 5 40 हो गया, और यहाँ पर 16 माइनस 1 कितना 15 और ये डी एज इट इज़, ठीक है। तो ये 40/15 इज इक्वल टू डी हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारा कैंसिलेशन करेंगे हम लोग, ये 5 goes 8 times 5 goes 3 times इक्वल्स टू डी, तो इस तरह से हमें 8/3 क्या मिल गया, हमारा डिफरेंस का वैल्यू। तो कॉमन डिफरेंस हमारा जो है वो है 8/3। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए पी आर 17 and 350। एक ए पी है दिया तो नहीं हमें, सिर्फ ये बता रहा है कि उस ए पी का जो फर्स्ट टर्म है वो 17 है और उस ए पी का जो लास्ट टर्म है बराबर, लास्ट टर्म वो कितना है 350, ये गिवन है हमें। तो ए का वैल्यू और ए एन का वैल्यू गिवन है। आगे कह रहा है इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और इस ए पी का कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है, कितना दिया है 9 दिया है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द ए पी, ए पी में कितने टर्म है, जहाँ पर भी आए हाउ मेनी टर्म्स, मतलब ये जहाँ पर भी पूछा आपको
तो आपने क्या फाइंड करना है, एन का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। आगे एंड व्हाट इज देयर सम, कितने टर्म्स हैं और उस टर्म्स के सम कितने हैं, इन टोटल जब टर्म्स को आप ऐड करोगे तो सम का वैल्यू क्या आएगा, वो चीज़ भी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें इस एपी में जो हमारा फर्स्ट टर्म है, बराबर फर्स्ट टर्म यानी ए, वो 17 गिवन है। इसका जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी ए एन, वो कितना है 350। ऑलराइट, और कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना दे दिया है, वो दे दिया हमें 9। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन का वैल्यू फाइंड करना है और एस एन का वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अब यहाँ पर मैं किस फॉर्मूला को यूज़ करूँ, अगर मैं एस एन को फॉर्मूला को यूज़ करूँगा तो एस एन भी अननोन है और एन भी अननोन है, कितने अननोन हो गए, दो अननोन हो गए। मैं एस एन के कोई भी फॉर्मूला को यूज़ नहीं करने वाला, तो दूसरा क्या बचता है, अभी एपी में तीन ही फॉर्मूला तो है, तो एक ही फॉर्मूला बचा, वो कौन बचा, टर्म का वैल्यू ऑफ टर्म का, ये टर्म का वैल्यू होता है ना ए एन, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यूज़ करने से पहले देख लो क्या ए एन का वैल्यू है, बिल्कुल है, ए का वैल्यू भी है, एन का वैल्यू फाइंड करना है और डी का वैल्यू गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो देयर फॉर ए एन जो है हमारा, दैट इज़ 350 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 17 है प्लस एन माइनस वन, एज इट इज़ लिख दिया, और डी का वैल्यू लिख दिया मैंने 9। ठीक है, अब ये 17 को जब आप ये साइड पर लेके आओगे तो 350 से माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 333 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर एन माइनस वन इंटू 9। अब ये जो 9 है वो ब्रैकेट एन माइनस वन से मल्टीप्लाइड है, तो जब वो ये साइड पर आएगा तो किस में चले जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा। देयर फोर 333 अपॉन 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। देखो यहाँ पर आप ब्रैकेट खोल के भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाता। ठीक है, तो मेथड्स को आप थोड़ा छोटा छोटा करते जाओ, ब्रैकेट ओपन करते यहाँ पर, फिर एक एक पार्ट को इधर लेके आते हैं, उससे भी काम होता, लेकिन ये थोड़ा सिंपलर मेथड है। 9 से हमने डायरेक्ट को डिवाइड कर दिया, बराबर। अब थोड़ा सा आप टेबल को यूज़ करोगे, बराबर, डिवीजन टेबल को, तो ये आपका 333 बाई 9 37 आ जाएगा और ये एन माइनस वन एज इट इज़। अब आप क्या करोगे, 1 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो गया 38, ये कौन हो गया n, तो n का वैल्यू आ गया आपका 38। तो मिल गया एक पार्ट, अब दूसरा पार्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म्स यानी s n। अब इसको फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग सम का सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। तो ये हो गया n बाई 2 a प्लस a n, कितने टर्म्स हैं 38, तो s 38 इक्वल्स टू 38 बाई 2, a का वैल्यू है हमारा 17 प्लस a n का वैल्यू हमारा 350। ऑलराइट, तो ये 38 बाई 17 जो है, बराबर, ये हो गया 19, और अंदर जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बराबर, तो ये हो जाएगा 367। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आएगा 6973, बराबर। तो आंसर में आ गया आपके, क्या आ गया आंसर में, कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 38 और सम ऑफ 38 टर्म्स जो है वो हो जाएंगे 6973। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।